नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका मिथुन राशि वाले जातकों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है। तो देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों, गुरु बृहस्पति 20 नवंबर 2021 की सुबह 11:20 पर अपनी नीच राशि मकर राशि से निकलकर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और यहां पर 13 अप्रैल 2022 तक यानी अगले 144 दिनों तक गुरु गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। तो इसका सभी राशि वाले जातकों के ऊपर अलग अलग प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है। इसका मिथुन राशि वाले जातकों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो गुरु बृहस्पति काफी लंबी समय अवधि तक अपनी नीच राशि मकर राशि में मौजूद थे, लेकिन अब गुरु कुंभ राशि में गोचर में आने वाले हैं, तो कई राशि वाले जातकों के लिए श्रेष्ठ संभावना निर्मित होगी। मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसी संभावनाओं का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। शुरू की गुरु के नीच होने पर कई राशि वाले जातकों को लगातार संघर्ष और चुनौतियां भी देखने के लिए मिल रही थी। स्वयं कुंभ यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों के अष्टम में नीच अवस्था में गुरु थे, तो मिथुन राशि वाले बहुत सारे जातकों को हेल्थ प्रॉब्लम, धन को लेकर संकट का सामना, वहीं पारिवारिक जीवन में भी चुनौतियों का सामना लगातार करना पड़ रहा था। तो देखिए, ग्रहों की चाल के आधार पर जीवन में परिवर्तन देखने के लिए विशेष तौर से मिलते हैं। ग्रहों का परिवर्तन और ग्रहों का गोचर मनुष्य के जीवन में अच्छी स्थितियों का भी निर्माण करता है और खराब स्थितियों का भी निर्माण करता है। देव गुरु बृहस्पति जो बड़े प्लैनेट में आते हैं और काफी लंबी समय अवधि तक एक राशि में होते हैं, इसलिए गुरु, शनि, राहु, केतु ये सब ज्यादा प्रभाव व्यक्ति के जीवन में डालते हैं। हमारे नवग्रहों में बृहस्पति को उच्चतम स्थान प्राप्त है और प्रभावशाली ग्रहों में बृहस्पति की गिनती की जाती है। देवगुरु बृहस्पति को मुख्यतः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के कारक ग्रह माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार गुरु को देवताओं का गुरु भी कहा जाता है। ज्योतिष में गुरु को भाग्य, ज्ञान, धन, संतान, बड़े भाई और वैवाहिक जीवन का मुख्यतः कारक ग्रह माना जाता है, यानी यहां पर गुरु प्रतिनिधित्व करते हैं। देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां यदि जन्म कुंडली पर अनुकूल हो तो नाम, शोहरत, सफलता, धन, संतान और उत्तम वैवाहिक जीवन देखने के लिए मिलता है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी माने जाते हैं। पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रों के स्वामी भी गुरु ही माने जाते हैं। गुरुवार दिन इनको समर्पित दिन माना जाता है। बृहस्पति यदि जन्म कुंडली पर खराब हो तो मान सम्मान में कमी देखने के लिए मिलती है। शिक्षा में रुकावट, शिक्षा अध्ययन में बाधाएं, संतान से कष्ट देखने के लिए मिलता है या संतान को कष्ट देखने के लिए मिलता है। जीवन साथी के साथ संबंधों में खराबियां देखने के लिए मिलती है। वहीं विवाह में विलंब भी होता है। इसको गुरु से जुड़ा उपाय करके दूर किया जा सकता है। बृहस्पति जन्म कुंडली पर पीड़ित हो तो डायबिटीज की समस्या, लीवर के रोग, नाभि के रोग, बदन दर्द, हार्निया की समस्या, मोतियाबिंद की समस्या देखने के लिए मिलती है। इसको गुरु से जुड़ा उपाय करके दूर भी किया जा सकता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो मिथुन राशि वाले जातकों की चंद्र राशि के ऊपर यह फलादेश आधारित रहेगा, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति राशि के सप्तम भाव और दशम भाव के स्वामी माने जाते हैं।
जिनका गोचर राशि के भाग्य भाव में होने जा रहा है। राशि के भाग्य भाव से व्यक्ति के भाग्य, आध्यात्मिक जीवन, धर्म और पिता के बारे में मुख्यतः विचार किया जाता है। इस भाव में गुरु का गोचर होने से बृहस्पति आपके राशि के लगन भाव, पराक्रम भाव और संतान भाव यहां पर दृष्टियां दे रहे हैं। तो मिथुन राशि के पूर्व के समय से ही जातक करियर के क्षेत्र में काफी ज्यादा परेशान थे, तो करियर और व्यावसायिक जीवन के लिहाज से यह गोचर अच्छा रहने वाला है। लगन में जा रही बृहस्पति की दृष्टि आपको जीवन में मनोबल, उत्साह के साथ ज्ञान की परिपूर्णता और एकाग्रता से भर देगी, जिससे मिथुन राशि के जातक व्यापार में सफलता, व्यापार में नवीनीकरण करते हुए नजर आ सकते हैं और यहां पर करियर के क्षेत्र में विशेष सफलता आपको मिल सकती है। बृहस्पति का यह परिवर्तन आपकी बौद्धिक शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, जिससे जीवन में सफलता देखने के लिए जरूर मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के भाग्य भाव में मौजूद होकर पराक्रम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, तो पराक्रम आपका काफी ज्यादा बढ़ेगा, साहस काफी ज्यादा बढ़ेगा। मिथुन राशि के ऐसे जातक जो पूर्व के समय से ही कार्यों में रुकावट, नौकरी पेशा जातकों को लगातार कार्यों में हताशा देखने के लिए मिल रही थी, वह दूर होता हुआ नजर आएगा। कार्यों से तनाव खत्म होगा, परेशानियां और चुनौतियां जीवन से, करियर से समाप्त होती हुई नजर आ सकती है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस समयावधि में संतान के लिए यह गोचर अच्छा रहने वाला है। यदि मिथुन राशि के ऐसे जातक जिनको संतान का सुख नहीं है, संतान मिलता हुआ नजर आएगा, यानी संतान सुख मिलेगा, काफी लंबी समयावधि रहने वाली है। 13 अप्रैल 2022 तक गुरु का यह गोचर रहने वाला है। गुरु के इस परिवर्तन के फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए मिथुन राशि वाले जातकों के लिए विशेष सफलता देखने के लिए मिल सकती है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे जातक विशेष सफलता अर्जित करते हुए नजर आएंगे। मिथुन राशि के ऐसे जातक जो कार्य व्यवसाय की तलाश में हैं या नया व्यवसाय, नया कार्य प्रारंभ करने की योजना आप मन में बना रहे हैं, तो आपके लिए यह समय श्रेष्ठ और अपार सफलता जरूर देगा। गुरु बृहस्पति से क्षेत्र में ऐसे जातक जुड़े हुए हैं जो गुरु से जुड़े हुए क्षेत्रों में संलग्न हैं, यानी वक्ता हैं, कथावाचक हैं, या तो ज्ञान विज्ञान के चीजों को प्रकाशित करते हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, बैंकिंग सेक्टर में जुड़े हुए हैं, साथ में टीचर हैं, तो आपके लिए समय श्रेष्ठ रहने वाला है। वकालत के क्षेत्र में जुड़े जातक, पत्रकारिता करने वाले जातक विशेष सफलता अर्जित कर सकते हैं। इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों के वैवाहिक प्रस्ताव जीवन में देखने के लिए मिल सकते हैं। यदि पूर्व के समय से ही वैवाहिक जीवन में आप जाने के लिए प्रयासरत हैं और जीवन में वैवाहिक प्रस्ताव देखने के लिए नहीं मिल रहा था, गुरु का भाग्य भाव में गोचर होना और पंचम भाव यानी प्रेम भाव पर दृष्टि जाना वैवाहिक जीवन में प्रबलता निर्मित करा रहा है और शुभता जरूर देगा। गुरु का यह परिवर्तन मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कई प्रकार की संभावनाएं निर्मित कर रहा है, जो अभी हमने आपको जानकारी दी। अब यदि जन्म कुंडली पर आपकी राशि में गुरु खराब स्थितियों में मौजूद हैं, तो कुछ खास उपाय हम आपको बता रहे हैं जिसको जरूर करना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातकों को बृहस्पति का यह परिवर्तन हेल्थ से भी काफी ज्यादा फिट करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अष्टम में मौजूद बृहस्पति कहीं न कहीं मिथुन राशि वाले जातकों को कई प्रकार की शारीरिक समस्या दे रहे थे। जो 20 नवंबर से राशि के भाग्य भाव में मौजूद होंगे, तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम जीवन से कम देखने के लिए मिलेगी, समाप्त होगी। बदहजमी, पेट से जुड़ी समस्या, डायबिटीज के बहुत सारे जातकों को समस्याएं थी, उसमें कमी देखने के लिए जरूर मिलेगी। मिथुन राशि वाले जातकों को कुछ खास उपाय बृहस्पति से जुड़ा हुआ जरूर करना चाहिए। तो देखिए, गुरुवार के दिन शाम के समय यानी सूर्योदय से 45 मिनट के पश्चात बृहस्पति से जुड़ी हुई चीजों का दान करना चाहिए, जैसे चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा, पुस्तक, पके हुए केले, जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर दान करें। यदि बृहस्पति पीड़ित हो तो रोजाना गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः
या ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः नामक मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। बृहस्पति को शुभ बनाए रखने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे जलाभिषेक करके शुद्ध देसी घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। तो बृहस्पति से जुड़ी हुई पीड़ा जीवन से समाप्त होती है। गाय को प्रत्येक दिन चारा देना और गुरुवार के दिन मुख्यतः जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन खिलाना भी बृहस्पति से जुड़ा हुआ प्रभाव शुभ देता है। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी। साल 2021 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को अभिराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।